देख रहे हैं SGN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। कृषि उत्पादन विक्रेताओं के लिए लगा 15 दिवसीय कार्यशाला। स्थानीय भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज में हुआ कार्यशाला का आयोजन। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में मिलेगा प्रशिक्षण, जिसके बाद होंगे ये लोग व्यवसाय के लिए अधिकृत। कार्यशाला में सैकड़ों डीलर व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। बतौर मुख्य अतिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के डॉक्टर रेवती रमन सिंह रहे मौजूद। इन डीलर को 15वें दिन मिलेगा अधिकृत प्रमाण पत्र। जानते हैं कि मेडिसिन का शॉप खोलने के पहले उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और लाइसेंस उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास फार्मासिस्ट की डिग्री है। अब जो है कृषि के मामले में ये फ्रीडम था, जिनको इंटरेस्ट था या जिनको सुविधा था अपना फर्टिलाइज़र का दुकान खोल लेते थे, लोकल लेवल पर DO से अपना परमिशन लिए या उनके द्वारा जो भी लाइसेंस मिलता था, लेकिन ये ट्रेनिंग जो है कंपलसरी हो गया। और जो पुराने डीलर हैं जो फर्टिलाइज़र को डील कर रहे हैं या पेस्टिसाइड फंगिसाइड्स को डील कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है तो उनका रिन्यूअल नहीं होगा जब तक कि ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे। और जो नए कतार में हैं खड़े जिनको लाइसेंस चाहिए, उनके लिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सर्टिफिकेट का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, वही चीज़ यहाँ बताया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का, इससे इनको बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी। इनसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कितना मात्रा में कब व्यवहार करना चाहिए, सॉइल का क्या कंडीशंस है उसके बारे में जानकारी चाहिए, मिट्टी का जो जांच हो उसमें कौन सा तत्व की कमी है इसके बारे में भी जानकारी चाहिए और कितना मात्रा में देना चाहिए। तो हर चीज़ का जानकारी के लिए ये इस तरह का आयोजन किया गया है और ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है ऐसा। असल जो प्रमाण पत्र प्रशिक्षण है जी, इसका क्या अर्थ है? प्रमाण पत्र प्रशिक्षण यही तो 15 दिन के बाद जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के लास्ट में इनको हम सर्टिफिकेट देंगे कि हमको इन प्रशिक्षु को ट्रेनिंग ऑथराइज्ड हो जाएंगे। हाँ, ऑथराइज्ड हो जाएंगे। ये यहाँ पर जितने भी बच्चे प्रशिक्षण लेंगे वो सिर्फ इसी कॉलेज से या बाहर से लेंगे? नहीं, ये अभी हमारे पास जो है आप देख रहे हैं किसानों ये डीलर की संख्या ये 5 जिला से हैं। कोसी क्षेत्र के जो है मधेपुरा जिला से हैं और पूर्णिया के 4 जिला के हैं सभी किसान। और ये इनका क्वालिफिकेशन है ISC इंटरमीडिएट इन साइंस, आर्ट वाले नहीं हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक साइंस सब्जेक्ट है और साइंस बैकग्राउंड समझने के लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ साइंस के ही विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि जो भी चीज़ बताया जाए उनको समझ में भली भांति आ रही है।